तो एक दिन मैं जा रहा था भेल की दुकान में ताकि मेरे पेट में दौड़ने वाले चूहे को चुप कर सकूं। तो फिर मैं इस भेल वाले के पास पहुंचा और मैंने एक भेल खरीदी और मैं अपना भेल खा ही रहा था कि जब तक भाई ये कहाँ पर आ गया? ओ हेलो यार, भेल पूरी खाने भी नहीं देते ये लोग। और वेट, अबे टकलू क्यों बना दिया मेरे को यार? ये क्या कर दिया यार, गंजा कर दिया मेरे को। तो गाइस अभी हम लोग को एक मिशन मिला है जो कि उस बंदे ने दिया मेरे को, एंड उसने मेरे को बोला है कि अगर मैं ये मिशन कम्प्लीट नहीं कर पाता तो फिर वो मेरे को, तो इसलिए आज तो मेरे को कैसे भी करके ये मिशन को कम्प्लीट करना ही पड़ेगा। तो चलो तुम लोग लाइक कर दो, क्योंकि अगर तुम लोग ने लाइक नहीं किया तो फिर मजाक कर रहा हूँ। एंड मैं बता रहा हूँ ये ना बहुत हार्ड मिशन होने वाला है, ऐसा लल्लू पल्लू मिशन नहीं है, हिटमैन का मिशन है यार। लेकिन यार उसके लिए टकला करना जरूरी है क्या? चलो कोई बात नहीं, एंड चलो शुरू करते हैं। एंड आई गेस ये मेरा बेसमेंट है जिसमें ये देखो सारे के सारे कपड़े रखे हुए, तो चलो ये बटन दबाने से मिशन स्टार्ट हो जाएगा। तो लेट्स सी मैं कर पाता हूँ कि नहीं। गुड इवनिंग एजेंट 47, वेट कोई तो बोल रहा है। ओके तो मैं हूँ एजेंट 47, ये ना बात। एंड अभी मैं इस ट्रक में हूँ, एंड ये बंदा मेरे को लेके जा रहा है एक कसिनो में, एंड उस कसिनो में मेरे को तीन लोग को मारने, और वो तीन लोग कौन है वो इस बुक में लिखा है। एंड मेरे को कुछ कपड़े भी दिए तो मैं इनको भी पहन लेता हूँ। एंड मेरे पास एक पिस्तौल है एंड एक हैमर है एंड काफी कुछ चीज है, सो इनको हम लोग साइड में रखते हैं। तो चलो आई गेस हम लोग पहुंच चुके हैं, एंड अब मुझे ये बटन दबाना है। एंड ओके आ गया मैं कसिनो में। एंड यार मुझे बहुत डर लग रहा है अभी, क्योंकि ये वाला जो मिशन है ना वो पिछले वाले मिशन से भी मुश्किल होने वाला है अगर तुम लोग को याद होगा तो, क्योंकि अगर मैंने गार्ड्स के सामने अगर एक सेकंड के लिए भी ये निकाल दिया ना पिस्तौल तो समझो खत्म, पूरा मिशन फेल हो जाएगा। तो फिर एकदम ध्यान से इस कसिनो में जाएंगे बिना कोई सस्पिशियस एक्ट करे। एंड ये सब यहाँ पर सिविलियंस है, इनको तो बिल्कुल टच ही नहीं करना है हम लोग, क्योंकि अगर एक को भी मैंने टच कर दिया या फिर मार दिया तो फिर सारे गार्ड्स अलर्ट हो जाएंगे, तो फिर एकदम मुश्किल मिशन होने वाला ही है। तो फिर चलो ये देखते हैं ये लोग कौन है। ये लोग मेरे को एक रूम पेपर के बदले एक रूम की दे रहे जो कि लगेगा ब्लॉक ऑफ डायमंड पे। तो फिर ये देखो मेरे पास रूम पेपर है जो कि मुझे पहले से ही दिया गया है, तो फिर मैं इससे ये ले लेता हूँ। और ये लोग कैसीनो टोकन भी बेच रहे जो कि आई गेस पब्लिक के लिए। और भाई ये कौन है, बहुत एस्ट्रोनॉट बनना है बंदे को। ओके अभी एकदम संभाल के। और ये क्या है, वार्निंग स्टाफ ओनली। ओके तो यहाँ पर अभी वार्निंग लिखा है, इसका मतलब मैं अगर जाऊँगा ना तो गार्ड्स सारे के सारे मुझ पर पड़ जाएंगे। एंड तुम लोग सोचोगे कि गार्ड्स पड़ गए तो क्या हुआ, प्रो कोई तो सबको मार सकता है ना, लेकिन ऐसा नहीं है इसमें, क्योंकि ये देखो मेरे पास सिर्फ एक पिस्तौल है एंड सिर्फ और सिर्फ 72 एमओ है, और अगर एक भी गार्ड पीछे पड़ गया ना तो उसके साथ साथ सारे के सारे गार्ड्स मेरे पीछे पड़ जाएंगे जो कि काफी सारे होने वाले। एंड एक गार्ड को मारने में कम से कम 2 एमओ तो लगेगी, तो सोचो मैं कितने लोग को मारूंगा इससे, इसलिए हमको फाइट को तो बिल्कुल अवॉइड करना है एंड इस मिशन को एकदम संभाल के कम्प्लीट करना है। तो चलो अभी हम लोग ये बुक पढ़ते हैं। तो ये देखो हमारे पास तीन टारगेट है। पहले टारगेट का नाम है सेबेस्टियन टुल्ली, भाई क्या नाम है। ओके इसका शॉर्ट फॉर्म होगा टुल्ली, और ये हम लोग को मिलेगा 7th फ्लोर पे, रूम नंबर 707। ओके रूम नंबर 707 एंड वहां पे जाके, ओह शिट यहां पर की है। तो फिर मैं एकदम चुपके से लेता हूँ, ये मेरे पास क्यों देख रहा है, ओए जाना काम करना अपना। तो चलो इसको लेते हैं, एंड किसी ने देखा तो नहीं ना। ओके लेट्स गो। और ये देखो इन बंदों को मस्त में कसिनो खेल रहे हैं, और इनको अभी कुछ पता नहीं है कि यहाँ पे क्या होने वाला है। तो फिर देखते हैं ये क्या है, मेंटेनेंस रूम। तो फिर यहाँ पे नहीं जा सकते, ये सिक्योरिटी, तो यहाँ पे भी नहीं जा सकता वरना सारे लोग मेरे पीछे पड़ेंगे। एंड ओके आए गए ऐसी वॉशरूम है, तो यहाँ पे भी थोड़ा झाँक के देखते हैं ये कौन है, ड्रंक मैन, क्या उल्टी कर अभी। और ये बॉडी गार्ड अंदर क्या कर रहे हो, ये क्या है, ये क्या मिल गया हम लोग को, आर्मर ऑफ गॉड। ओके आगे से थोड़ा सा अच्छा आर्मर है, तो चलो इसको पहन लेते हैं। वो वैसे तो बहुत गंदा लग रहा है, तो फिर चलो फूट लेते भी यहाँ से। तो फिर वेट ये कौन है, क्रेजी लेरियस। वेट ये हमारा कोई टारगेट तो नहीं है, रुको चुपके से देखता हूँ। पहला है टुल्ली, सेकंड है लूसी फोयर, एंड थर्ड है विक। ओके तो फिर ये बंदा सेफ है, इसको कुछ नहीं करना है। तो फिर और क्या है यहाँ पे, ओ सप्लाई क्लोजेट, आगे इसके अंदर मैं जा सकता हूँ। ठीक है मोनोक्यूलस, ओके हम लोग को दूरबीन मिल चुका है तो ये भी हमारे काम आएगा, इसको अंदर रखता हूँ। एंड और क्या है, कुछ नहीं है। एंड वे ठीक है यहाँ पर कुछ है क्या, आई गेस पार्टी चल रही है यहाँ पे। ओ ये मैं भी थोड़ा पार्टी करूंगा। सच बताओ तो ये आर्मर बहुत गंदा दिख रहा है, काम चलाना पड़ता है। एंड ये देखो ये है बहुत खतरनाक वाले बॉडीगार्ड्स, इनसे तो बिल्कुल पंगा नहीं लेना है। वीआईपी ओनली, ओके वीआईपी लोग ही जा सकते हैं। एंड ये कौन है, स्पेस डूड, सबको भी मार्स में जाने का क्या। और ये बंदा क्या बेच रहा है, नौजिया हंगर, ओ दारू बेच रहा है ये, आई नहीं पीनी मेरे को।
ये क्या है? यहाँ पर एक सीक्रेट रास्ता है, बट यहाँ पर आयरन बार्स लगे हुए शेट, इसको तोड़ने के लिए मेरे को कुछ तो चाहिए। और ये क्या है? रेस्ट रूम। ओके चलो इसके अंदर चलते हैं। एंड यहाँ पे भी है, अरे यार कुछ मिल जाता तो अच्छा होता। एंड ये देखो यहाँ पर भी है। ओके गोल्ड बार मिला है, तो चलो चलते हैं वापस। एंड आई गेस यहाँ पे इतना ही है, तो फिर अभी हम लोग चलते हैं फ्लोर नंबर 7 पे, क्योंकि वहां पर ही हमारा पहला टारगेट है। तो फिर अब मेरे को लिफ्ट ढूंढना पड़ेगा। ओके वेट, ये तो मैं फ्लोर 2 पे जा सकता हूँ। ओके भाई एकदम संभाल के, कोई सस्पिशियस नहीं। तो फ्लोर 2 में तो इतना कुछ नहीं है, और ऊपर जा सकता हूँ। यस फ्लोर 7। ओके आ गया मैं। बेटा मरने के लिए तैयार हो जा। एंड रूम नंबर 707। लेकिन भाई फुल मैक्सिमम सिक्योरिटी है यहाँ पे तो। अरे कोई बटन भी नहीं है यार अंदर जाने के लिए। शेट ये प्रॉब्लम हो गया। और मेरे को ये कौन सा मिला था? रूम की 709। ओके 709 लोग ही रहा। चलो मैं इसके अंदर जा सकता हूँ। शिट देख रही हूँ कसीनो कितना बड़ा है। एंड यहाँ पर मैं आया मिशन करने, सच में बहुत सही है। तो फिर आई गेस मैं इसके अंदर जा सकता हूँ। वेट पहले इस दरवाजे के अंदर जाके देखो। ए ये क्या है? होल्ड इन मेन एंड टू एक्सेस सिक्योरिटी रूम्स। इससे मैं सिक्योरिटी रूम में जा सकता हूँ, लेट्स गो। बहुत सही चीज मिल गई यार। तो चलो मैं इसके अंदर जाता हूँ। ओके किसने कुछ नहीं देखा। एंड यस वैसे मैं जा कहाँ पे रहो? नो अरे शिट यार, इसको तोड़ने के लिए यार कुछ तो कटर्स चाहिए मेरे को। तो वेट मेरे पास अभी एक और की है, जो की है 607 की। तो चलो हम लोग 607 रूम में जाते हैं। ओ ये रहा, मिल गया। तो चलो इसके अंदर एक की लगाते हैं, चलते हैं। और रुको पहले इसको बंद करता हूँ। अरे सब मत आओ भाई, एकदम खुफिया जगह है समझे ना। तो फिर ओके यहाँ पर भी है यार, बट मैं जाऊँ कैसे यहाँ पर? C4 भाई, प्लास्ट करना है क्या? एंड यहाँ पर भी है देखो, लेकिन इसके लिए मेरे को कटर्स चाहिए। तो आई गेस पहले मेरे को कटर्स ढूंढना पड़ेगा। तो चलो एक बार मैं ना ये सेकंड फ्लोर को सर्च मारता हूँ। एंड ये पूरा फ्लोर चेक मारते हैं। और एक जेनिटर क्लोजेट, एंड यहाँ पे एक बैरल। मिल गया वायर कटर्स, जो कि आयरन बार्स को तोड़ेगा, लेट्स गो। एंड चलो अभी थोड़ा सा और आगे देखते हैं। एंड क्या यहाँ पे कुछ पार्टी वार्टी चल रही है क्या? एंड क्या है? किचन स्टाफ ओनली। बट अगर मैं ये सिक्योरिटी वाला साइन लेके अंदर जाऊँ तो कुछ होगा नहीं ना। तो फिर ये क्या? लाइटर की क्या जो होता है? एंड शेफ नाइफ। ओके ये एक वेपन की तरह काम आ सकते हैं हमारे। शिट 25 अटैक डैमेज भाई, ये सही है। इसका मतलब मैं किसी को भी एक बार में मार सकता हूँ। तो भाई सही चीज मिल गई। एंड इनमें ओके इनमें कुछ खाना रखा हुआ है, जो कि नहीं चाहिए मेरे को। पेट थोड़ा ले लेता हूँ। तो चलो यार, तो मेरे पास दो मेन हथियार आ चुके हैं, एक तो है वायर कटर और एक तो है ये नाइफ। और ये सिक्योरिटी रूम। एंड अब जितना कि मेरे को मालूम है, मैं सिक्योरिटी रूम में जा सकता हूँ, राइट? तो फिर इस चेस्ट के अंदर भाई C4। एंड और तो कुछ नहीं है यहाँ पे। ओह ये क्या है? मेंटेनेंस की मिल गई। ओके तो चलो अब चलते हैं यहाँ से। एंड अब चलो असली खेल को शुरू किया जाए। तो फिर चलो चलते हैं 7th फ्लोर, वेट नहीं 6th फ्लोर पे था। एंड अब मैं अपने कमरे में जाता हूँ। एंड आई गेस ये जो कमरा है ना, ये मेरा खुद का है, इसलिए इसकी मेरे को की मिली थी स्टार्टिंग में। एंड चलो देखते हैं। ओके वो रहा, तो चलो जाते इसके अंदर। फिर इसको पहले तो मैं काटूंगा। ओके एंड अब जाता हूँ अंदर। तो वेट जा क्यों नहीं रहा हूँ? वेट अगर मैं जंप मार के करूँ तो ये हुई ना बात, बिग ब्रेन बॉयज। वेट मैं ऊपर की फ्लोर में जा रहा हूँ इससे। ओके एंड ये आगे मैं 7th फ्लोर पे। एंड ये कौन है भाई? चलो चुपके काटते हैं। एंड लेट्स सी। अबे टुल्ली यही है, सबेस्टियन टुल्ली डायरेक्ट में इसके रूम में आ गया। व्हाट? इसके घर के बाहर ही सिक्योरिटी गार्ड है पूरी पूरी। शिट क्या जैकपॉट लगा है, देख रहे हो? मेरे कमरे से डायरेक्ट इसके कमरे पर कनेक्ट किया है, ये सब प्री प्लान्ड है गाइस। तो चलो टुल्ली बेटा तैयार हो जाओ मरने के लिए, फिर लेट्स गो। ओके इसको किल कर दिया हम लोग ने। और ये देखो टारगेट 1 किल कंफर्म, लेट्स गो। एंड ये क्या है? ओ भाई एक और गन मिल गई, वो ले लेते हैं, अपने काम आएगी। एंड अभी हम लोग को ऐसे ना फटाफट निकलना होगा कहीं। तो एक मिनट, ये क्या है? VIP पास मिल गया। ओ शिट VIP पास, इससे तो हम लोग VIP एरियाज पे घुस सकते हैं, लेट्स गो। सो अब यहाँ से मेरे को निकलना पड़ेगा, लेकिन अगर मैं यहाँ से जाऊंगा तो ये गार्ड्स मुझे पकड़ सकते हैं, इसलिए मैं क्या करूंगा ना, यहाँ से ही जाता हूँ अपने रूम में। एंड बिना कोई सस्पिशियस एक्ट किए यहाँ से जाता हूँ डायरेक्ट रूम में। एंड किसको भी शक नहीं होगा कि ये चीज मैंने किया है। तो चलो मैं अपने रूम में हूँ, मैंने कुछ नहीं किया। ओके चलो निकलते ऐसे। ओके किसी को नहीं मालूम। और वेट वो सिक्योरिटी गार्ड्स, वो चेक करने के लिए मेरे को 7th फ्लोर पे जाना पड़ेगा। ओके ये लोग बाहर ही है, मतलब इन लोग को कुछ पता नहीं अंदर क्या हुआ है। तो चलो हमारा पहला टारगेट तो गया काम से, वो भी बिना किसी को मालूम पड़ा है। तो चलो पहले तो मैं ना कई खुफिया जगह पे घुस जाता हूँ। एंड अब देखते अपना दूसरा टारगेट। तो दूसरा टारगेट है लूसी फोयर।
मेड ए डाइनिंग रिजर्वेशन. ओके, उसने येलो हैट पहनी होगी और कोई डिनर कर रहा होगा बंदा. तो चलो उस बंदे को भी ढूंढते हैं एंड उसको भी असैसिनेट करते हैं. तो चलो फ्लोर एकदम 2 पे जाएंगे और ये देखो यहाँ पे फुल सिक्योरिटी कैमराज है. फिर यहाँ पे एक मिनट, ये लोग डिनर कर रहे हैं ना, यहाँ पे कोई हो सकता है. ओ ये रहा लूसी, यस यही है. और देखो भाई बेचारा अकेले खा रहा है. तो चलो यही है, इसको मारना है. लेकिन मैं इसे सबके सामने नहीं मार सकता, शेड. अब क्या करूँ, कुछ तो वे होगा यहाँ पे. उए ऊपर कुछ है, अगर मैं इसके डायरेक्ट यहाँ से देखूँ तो इसके एग्जैक्टली ऊपर है. ओके, इसका मतलब इसको मारने का कोई तो वे है. तो चलो हम लोग देखते हैं. एंड ये क्या है यहाँ पे, देखो एक और सीक्रेट रास्ता है, यहाँ पर भी जाते हैं छुपके छुपके. एंड चलो चलते हैं. एंड मैं कहाँ पे जा रहा हूँ, वो ये क्या है, पावर ओवर है सीलिंग. क्या इसका मतलब है, सीलिंग से कुछ होगा, आई डोंट नो. वेट, मेरे बायनोकुलर्स कहाँ पे. एंड कोई देखो ये रहा वो बंदा यहाँ पर छुप के बैठा है. सो अगर हम लोग यहाँ पे कुछ तो करेंगे ना गड़बड़, तो इस सीलिंग से कुछ ना कुछ होगा. तो चलो कुछ हुआ इससे, आई डोंट थिंक सो. एक मिनट, ओह मार दिया, टारगेट 2 किल कंफर्म्ड. ओके, दूसरा बंदा भी एलिमिनेट हो गया, लेट्स गो. भाई सब देख रहे हो, फुल एकदम 100 IQ प्लेस हो रहा है. तो चलो हमारा दूसरा टारगेट भी गया एंड अभी बचा है बस एक टारगेट, जो कि है विक विनेगर. विनेगर स्पेंड्स द मेजोरिटी ऑफ टाइम हैंगिंग आउट इन द VIP लॉन्च, एंजॉय स्विमिंग इन प्राइवेट पूल. ओके, तो फिर ये शायद से हम लोग को स्विमिंग पूल में मिल सकता है या फिर तो कोई VIP लॉन्च पे. तो फिर अब तक तो एक भी सिक्योरिटी गार्ड मेरे पीछे नहीं पड़ा है, क्योंकि मैं एकदम चौकन्ना हूँ. ना ये बता दूं हम लोग को ना सारे किल्स करने एंड देन अपने वैन में वापस भागना है. देखते यहाँ पर कोई है क्या, यहाँ पे विनेगर नाम का. ये कौन, ट्रैकुला, ये यहाँ पे क्या कर रहा है भाई, दूर ही रहता हूँ इससे. एंड हेलो, तो यहाँ पे कोई हमारा काम नहीं है, चलो चलते हैं. तो VIP लॉज कहाँ पे है, ओ वेट, हम लोग ने एक VIP करके कुछ तो देखा था ना यहाँ पे, तो वहीं पर जाके देखते हैं. ये क्या सब खाली होगा जगह. एंड ओके, ये VIP वाली जगह. तो इस VIP पास को मैं अपने पास रखता हूँ एंड आई गेस मैं जा सकता हूँ. यस, एंड अब तक मैंने कुछ भी काम किया ना एकदम परफेक्टली हो रहा है, कोई भी मिस्टेक नहीं हुआ है. ओए वेट, ये क्या वो बंदा, ये देखो स्विमिंग. ओके लेट्स गो लेट्स गो लेट्स गो. विक विनेगर, यस ये वो बंदा. लेकिन यार अब इसको कैसे मारू, क्या इसको मुझे डायरेक्टली मारना है, आई डोंट नो यार. इनको बिना पता चला है कैसे मैं मारू इसे. मेरे को तो लग रहा है कि हम लोग को ना इसको डायरेक्ट मारना है एंड डायरेक्ट निकलना है यहाँ से, क्योंकि यही एक रास्ता लग रहा है और कोई वे नहीं है इसका. बट फिर भी मैं थोड़ा सा ना चेक कर लेता हूँ. वेट, यहाँ पे भी एक सीक्रेट रास्ता है, तो इसके अंदर भी जाते हैं. एंड ये मेरे को लिख के आया है प्राइवेट पूल कंट्रोल. ओ तो शायद इसको करने से वो पूल का सिस्टम मिल जाएगा और शायद पानी फुल भर जाएगा एंड फिर हो जाएगी उसकी डेथ. ओ शिट, बट आई गेस मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए, मुझे उसको और कोई तूफानी तरीके से मारना है, क्योंकि मुझे ऑर्डर्स मिले हैं कि यहाँ पर कहीं तो है ना स्नाइपर भी रखी हुई है. तो मुझे क्या करना है, उस स्नाइपर को लेना है एंड फिर मारना है, क्योंकि यार ज्यादा मजा आएगा उसमें. एंड फिर यहाँ से भागेंगे दुम दमा के, सारे के सारे गार्ड्स मेरे पीछे पड़े होंगे एंड देन जब मैं यहाँ से भाग जाऊंगा सब के सब हैरान हो जाएंगे. ओ वेट, मैंने ये वाला नहीं देखा अब तक, ये क्या है. ऑल राइट, मिल गया ना बेटा स्नाइपर, लेट्स गो, अभी आने वाला है असली मजा. तो चलो बेटा, कहाँ पर है, कहाँ पे नहा रहा है, बहुत नहाने का शौक है ना उसे. ओए वेट, ये मैंने अब तक क्यों नहीं देखा, चलो इसके अंदर भी जाके देख लेते एक बार, लेट्स गो बिना किसी को मालूम पड़े. ओके चलो आ गया. ये पता नहीं मैं कहाँ पर जा रहा हूँ एंड ये क्या है. ओ शिट भाई, देख रहे हो किधर आ गया मैं, डायरेक्टली उस बंदे के ऊपर. ये तो भाई और भी तगड़ी चीज होगी. फिर वो देखो इस डिस्पेंसर के अंदर कुछ नहीं है. लेकिन वेट, अगर मैं इसके अंदर ये डालू C4 एंड देन इसको फेंकता हूँ नीचे, देन क्या होने वाला. ओ मर गया, यस यू कैन एस्केप वेर यू बिगेन. ओके चलो चलो, अभी हम लोग को भागना है वरना ये लोग मेरे को पकड़ लेंगे. शिट, ओह नो, सारे लोग मेरे पीछे पड़े होंगे. तो रुको 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 रुको, मैं अभी है ना अपने बेस्ट वेपन्स लेता हूँ ताकि मैं अच्छे से सबको फोड़ पाऊँ. ओके लेट्स गो, ये सब अभी तक का मेरा बेस्ट वेपन्स है. चलो अभी यहाँ से भागते हैं, लेट्स गो. शिट शिट शिट, सब मेरे बिचारे, नहीं नहीं. खाना खा खाना खा खाना खा, लेट्स गो लेट्स गो लेट्स गो. यस आ गए. वे ये लोग बाहर नहीं आ सकते, ये लो बेटा एंड मरो. हमारा मिशन कम्प्लीट हो गया. है भाई मेरा इनाम नहीं है कुछ, भाई मेरे को लगा मेरे को पैसे मिलेंगे. चलो मेरे बाल भी उग गए वापस. तो चलो ये सब छोड़ो, मैं अपनी भेलपूरी खाता हूँ चुपचाप. चैन से भेलपूरी भी खाने नहीं देते. वेट अ सेकंड भाई, ये यहाँ पे क्या कर रहा है. हाँ बेटा यार, देखो तो किस पर जाग रहा है ये बंदा, पता नहीं कौन है वहाँ पे. ओ भाई इधर देख.